नमस्ते हेलो। हाँ, जी। अरे मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ चाची जी। अरे नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ आपको चाचा जी को यूरिन में तो अभी आराम है, जो पेशाब की प्रॉब्लम थी उसमें, जी, क्या लेकिन अभी कफ उनको बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कफ बढ़ गया है? कफ अच्छा, कफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मैं क्या दूँ? होम्योपैथ में तो एक एंट्रीम टार्ट नाम की दवा ला के दे दीजिए। एंट्रीम एंटीम टार्ट, जस्टिसिया, टार्ट और जस्टिसिया, ठीक मैं लिख लेती। हाँ, नाम तो मालूम है मेरे को। हाँ है? एंट्रीम टार्ट और जस्टिसिया। अच्छा, एंटीम टार्ट और जस्टिसिया। हाँ जी, हाँ, कितनी पोटेंसी की? 200, 200। हाँ दोनों ही 200 की? जी, हाँ जी, अच्छा, कितनी बार और कितनी मात्रा? दो दो बूंद दिन में 3-4 बार। दो दो बूंद। अच्छा, और गोविंद भाई, घर की चीजों में मुलेठी उबाल के पिलाइए। ठीक हाँ मुलेठी तो मैं उबाल के दे रही हूँ इनको। हाँ, है। हाँ आपका पड़ा था, मैंने वो मुलेठी उबाल के दे रही हूँ मैं इनको। जी, हाँ जी, हाँ, तो इनको सांस की भी, वो इनको ऐसे अस्थमा तो है ही है, समझ लीजिए बचपन से है अस्थमा। तो अच्छी बात है। बचपन से है तो बचपन का यार है, कोई चिंता करनी चाहिए। नहीं, चिंता तो नहीं, अभी कफ ज्यादा बढ़ गया ना, इसलिए मेरे को चिंता हुई। इतने दिन मैं लहसुन वगैरह दे रही थी, कफ में आराम था इनको, लेकिन अभी महीने भर से इतना कफ बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा। महीने भर से ठंड भी तो बढ़ी हुई है। हाँ, ठंड भी ज्यादा है यहाँ कलकत्ता में, तो बहुत ज्यादा ठंड है, तो इसी से आराम हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बाकी आप व्हाट्सएप कर देना, एक पाउडर बताया था वो पाउडर दीजिएगा। सही, और भगवान की दया से आज उनको बहुत आराम। क्या हुआ था? उनको कफ, मैंने बोला था ना, कफ बहुत ज्यादा बढ़ गया था उनको। परसों तो हम लोग को चिंता हो गई थी, आपके चाचा जी को। हाँ, तो उनको परसों कफ ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ गया था वो। हम लोगों को भी डर लगा कि अभी कल एलोपैथिक दवाई लेनी पड़ेगी, क्या करेंगे, जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, इतना ज्यादा था। तो कौन कल कौन सी मैंने आपको दवाई फोन किया, आपने मेरे को दी थी एंटीम टार्ट और दी? जस्टिसिया 200। कितनी खुराक लेनी पड़ी? उनको लेनी पड़ी, दिन में 2 बार ली है, दो दो या 3 बार। हाँ, कल शाम को बात हुई थी, तो फिर कल शाम को तो दो बार शाम को ही दे दी, एक बार शाम को एक बार रात को, ठीक है। और आज अभी दी, आज अभी 2 बार हो गई है। और साथ में ना फिर वेषादी वटिका भी मैंने आपसे पूछा था, आप बोले थे हाँ मंगवा के दे दीजिए, तो वेषादी वटी भी साथ में दी थी, लेकिन भगवान की दया से बहुत कंट्रोल हो गया उनके। और अच्छा, वैशाली बट्टी आप दिन में 3 बार बोले थे कि 2 बार बोले थे, मेरी ध्यान में नहीं आया वो। वो तो कोई बात नहीं, 2 बार ले लीजिए, 3 बार ले लीजिए, जैसी तकलीफ है उस हिसाब से। तीनों अच्छा, वो चूस के लेनी है कि पानी के साथ ही सीधे लेनी है? तरीके से लिया जा सकता है, गुनगुने पानी से भी, शहद में पाउडर पाउडर बना के शहद में मिला के भी, और अच्छा चूस कर भी, तीनों अच्छा अच्छा तरीके से लिया जा सकता है।